हेलो दोस्तों, शडी मूड में आपका स्वागत है। बिहार में लाखों अभ्यर्थी मद निषेध उत्पाद और निबंधन विभाग में नई भर्ती के इंतजार करते हैं। आज कैबिनेट का बैठक हुआ था, मुख्यमंत्री के निर्देश में कैबिनेट का बैठक होता है और इस पद का स्वीकृति मिला हुआ है। कौन सा पद है? तो मद निषेध को सफल क्रियान्वयन के लिए ये पद स्वीकृत किया गया है, यानी कि सृजित किया गया है। बिहार मद निषेध अवर सेवा के विभिन्न कोटि के पद, बिहार मद निषेध अवर सेवा के विभिन्न कोटि के पद 905 पद है। टोटल 905 पद है। मैं आपको ऑफिशियल जो है नोटिस, यानी कि जो कैबिनेट का डिसीजन है, उस पर लेकर चल रहा हूँ कि अलग अलग विभाग में कितने पद स्वीकृत किए गए हैं। और ये समझिए कि बहुत ही अच्छा रुतबा वाला जॉब है, ऑफिसर ग्रेड वाला जॉब है। तो कौन विभाग के अंतर्गत कौन सा भर्ती आएगा, इसमें आप ग्रेजुएशन कर रखे हैं तभी फॉर्म अप्लाई कर पाइएगा। तो ये सभी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। मात्र छोटा सा वीडियो है, लेकिन आज बहुत ही अच्छी खुशखबरी ये आया है कि कैबिनेट ने ये डिसीजन ले लिया है और बहुत बड़े मात्रा में, यानी कि 905 पद स्वीकृत किए गए हैं। सो 905 पद किस विभाग के अंतर्गत आएंगे, चलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आज का ये 13 अक्टूबर 2022 गुरुवार को जो बैठक हुआ है कैबिनेट का, बैठक की अध्यक्षता माननीय मुख्यमंत्री करते हैं कभी भी कैबिनेट का। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि आज कौन कौन पद स्वीकृत किए गए हैं। इसमें से सबसे महत्वपूर्ण हम बात आपको बताने वाले हैं और जिसके लिए वीडियो बनाना पड़ा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक तो यहाँ पर गृह विभाग में, यानी कि गृह विभाग कारा में 137 लिपिक के पद का स्वीकृत किया गया है, यानी कि ये जल्दी ही आपको भर्ती देखने को मिलने वाला है स्टेनो का। फिर नीचे की तरफ स्क्रॉल कीजिएगा तो फिर देखिए मद निषेध उत्पाद और निबंधन विभाग 905 पद स्वीकृत किए गए हैं, यानी कि बड़े स्तर पर। अगर जैसे बीपीएससी इससे पहले जो भर्ती लिया था, इसका देख सकते हैं कि अवर निबंधन और निरीक्षक उत्पाद मद निषेध में जो ऑफिसर का, और ये बहुत लिमिटेड पद था, बहुत ही लिमिटेड पद था। लेकिन साफ साफ इसको यहाँ पर लिखा हुआ है कि देखिए कि सफल क्रियान्वयन के लिए ये 900 पद आपको पाँच जो है ये सृजित किए गए हैं, यानी कि 905 पद सृजित किए गए हैं और ये स्वीकृति मिल गया है कैबिनेट का। यानी कि ये अगर बीपीएससी में जुड़ता है तो इस बार भी आप देख सकते हैं कि बड़े स्तर पर बीपीएससी की भर्ती आएगा और लाखों अभ्यर्थी इसमें भी फॉर्म अप्लाई करते हैं। क्योंकि इससे पहले देखिएगा 60वीं से लेके 62वीं बीपीएससी में इसका पद आया था और वो सभी आपको अच्छे तरीका से वेरिफिकेशन भी हो चुका है, लड़कों का सब प्रक्रिया पूरा हो गया, ठीक। क्योंकि उसमें लिमिटेड पद था, कुछ ही पद थे, मतलब लगभग आप मिला लिया जाए कि अवर निरीक्षक जो मतलब अवर निबंधक के जो ऑफिसर के थे उनका लगभग 11 पद था, यानी कि 11 लोगों का सिलेक्शन हुआ था। निरीक्षक उत्पाद यानी मद निषेध में 2 लोगों का सिलेक्शन हुआ था और उत्पाद रसायन परीक्षक में लगभग देखिएगा 8 से 9 लोगों का हुआ था, लगभग 8 लोगों का मुझे लगता है हुआ था। यानी कब मैं बता रहा हूँ तो 60 से 62वीं जो बीपीएससी आया था उसमें। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि अब बड़े स्तर की यहाँ पर भर्ती आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, आज कैबिनेट ने मंजूरी दे दिया। तो अब आपकी तैयारी में अच्छे तरीके से लग जाना है। अब ये देखना है कि बीपीएससी को ये नोटिफिकेशन कब मिलता है, यानी कि अब अपना जो विभाग है वो तो तैयार कर भेज दिया, अब बीपीएससी नोटिफिकेशन जब भी निकालेगा इसको भी जोड़ देगा। या तो ये बीपीएससी एग्ज़ाम लेगा, मुझे जहाँ तक लगता है कि बीपीएससी ही लेगा, या तो इसका एग्ज़ाम बीपीएसएससी द्वारा लिया जा सकता है अगर दरोगा स्तर का कुछ पद होगा तो, ठीक। लेकिन पूरी तरीका से आप ये रखिए कि ये है आपको क्या अवर सेवा है, तो बिहार मद निषेध अवर सेवा में ये आपको विभिन्न कोटि के कुल आपको देखिएगा, अलग अलग कोटि के आप देखिएगा 905 पद है। तो अलग अलग इसमें होगा, इसमें और भी जैसे हो सकते हैं दरोगा के हो सकते हैं, कॉन्स्टेबल का हो सकता है, ऑफिसर ग्रेड का हो सकता है। तो अच्छे क्रियान्वयन के लिए ये पद सृजित किया गया है। अब पूरा डिटेल्स जब आएगा उसमें भी मैं आपको वीडियो बनाकर बताऊंगा, लेकिन अधिकतर पोस्ट जो जाने वाले हैं ये बीपीएससी में जाने वाले हैं, ठीक। यानी कि बीपीएससी की सीटों की संख्या अभी से आप देख रहे हैं कि बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है और कैबिनेट का यही डिसीजन था। इसका पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा और ये अच्छी खबर है अभ्यर्थियों के लिए कि इतने बड़े स्तर की भर्ती आपके जो है नोटिफिकेशन में जुड़ने वाला है। और भी अलग अलग भर्ती है, कुछ संविदा पर भर्ती है, तो कुछ आप देखिएगा शिक्षा विभाग में भी ये आपको पद का सृजन किया गया है, 1420 पद का आपको सृजन किया गया है। अलग अलग जो देखिएगा विभाग में सृजन किया गया है, लेकिन मुख्य रूप से यही मुझे बताना था कि प्रशासन और आप देखिएगा कि इसके विभाग में कितना पद आया हुआ है, ठीक। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अगर कोई डाउट बचता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और वीडियो देखने का आपको बहुत